नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। 23 नवंबर का दिन है और काफी खास है, क्योंकि जहां एक तरफ महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ उपचुनाव के भी नतीजे हम सबके सामने आएंगे। और उपचुनाव की जब बात करते हैं तो सबसे ज्यादा खास हो जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव होने थे, हालांकि 9 सीटों पर ही चुनाव हो रहे हैं उपचुनाव। और अब उपचुनाव के नतीजों पर अगर गौर करें तो अभी तक सामने नहीं आए हैं रुझानों में। 7 सीटों पर बीजेपी एनडीए गठबंधन आगे चल रही है, वहीं 2 सीटों पर सपा आगे चल रही है। क्या है वजह, इस पर ज्यादा से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है धर्मेंद्र द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या रीजन हो सकता है, क्योंकि लोकसभा से बिल्कुल इतर जो अब हम देख रहे हैं रिजल्ट है वो सामने आ रहा है। सर, क्या कुछ समझ पा रहे हैं, क्या रीजन है और किस तरीके से एक बार फिर बीजेपी अपने हाथों में सत्ता लेती हुई नजर आ रही है एक तरह से देखे तो? देखिए, बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जो सबसे ज्यादा डेंट हुआ उत्तर प्रदेश में हुआ, और उससे बहुत सबक लिया बीजेपी, तो उपचुनाव को एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था बीजेपी जी। ये सभी जानते हैं, और योगी के लिए भी एक चैलेंज था। तो पूरी मशीनरी, पूरा सिस्टम और पूरा जो समीकरण थे उस पर बहुत मेहनत की गई इसमें, उसी का नतीजा ये है। और किसी भी हाल में बीजेपी इस उपचुनाव को हारना नहीं चाहती थी। जो डेंट उसको लोकसभा चुनाव में लगा हारने के बाद में, वो उसको धोना चाहती थी, उस चीज़ को ख़त्म करना चाहती थी, उसके लिए बहुत मेहनत की गई। और जैसा कि इस मामले में एग्जिट पोल सही साबित हुए, 7-2 की बात हो रही थी, तो अभी जो रुझान आ रहे हैं उसमें 7 सीटों पर बीजेपी आगे है, और 2 सीटें ऐसी हैं जिसमें बहुत अंडरस्टूड था कि यहाँ पर बीजेपी के लिए टफ है। एक तो आपकी है शीशामऊ, जो नसीम सोलंकी है, इरफान सोलंकी की पत्नी, वो लड़ रही है। वहां भी कभी बीजेपी आगे हो जाती है, कभी पीछे हो जाती है, लेकिन उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के पास वो सीट जाएगी। और दूसरी सीट की बात करूं मैं करहल की, तो वो तो समाजवादियों की परंपरागत सीट है, तो वहां पर तेज प्रताप यादव लड़ रहे हैं, अखिलेश के परिवार के हैं वो, तो उनका भी जीतना जो है तय माना जा रहा है। लेकिन इसमें भी एक और सीट थी जिसपे ये कहा जा रहा था कि वो डाइसी है, जो कुंदर की सीट है मुरादाबाद की। हाँ। वहाँ 50% मुस्लिम आबादी वोटर्स हैं, वहां से बीजेपी के रामवीर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो आगे चल रहे हैं, तो ये भी बीजेपी के लिए अच्छी बात है कि वो सीट डाइसी थी लेकिन वो निकल रही है। तो बीजेपी ने अपना पूरा जो पिछला लोकसभा चुनाव जो गुजारा है उसके बाद जो चीजें एनालाइज की, सबक लिया, जो गलतियां थी उसको सही किया। अच्छा, लोकसभा की क्या गलतियां थी जिसको बीजेपी ने समझा, फिर उस पर काम किया और आज 7 सीटों पर आगे है, जो एग्जिट पोल भी दिखा रहे हैं, रुझान भी यही समझ में आ रहा है? देखिए, लोकसभा गलतियां ये थी कि बीजेपी के अंदर, जैसे मैं लोगों से मिला, बात होती है, बीजेपी का खुद का जो वर्कर था, कार्यकर्ता, वो बहुत निराश था, नाराज था। ये ऑफ द रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ कि लोगों को लगता था कि हमारी सरकार है और हमारी सरकार में ही प्रशासन हमारी नहीं सुनता है, हमारी बात नहीं होती, हमारी बातें सुनी नहीं जाती। जबकि इसके अगेंस्ट अगर आप उत्तर प्रदेश की दूसरी पार्टियों की बात करें, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, उनकी सरकार रहती है तो उनका कार्यकर्ता बड़ा खुश रहता है क्योंकि उसके सब काम होते हैं। तो बीजेपी के साथ ये दिक्कत थी। दूसरा एक प्रॉब्लम ये रही कि जो मध्यम वर्ग है वो भी थोड़ा सा नाराज था, क्योंकि मध्यम वर्ग के लिए सरकार ने कुछ किया नहीं। नौकरी पेशा लोग हैं, उनको सिर्फ टैक्स देना है, सरकार से कुछ मिलना नहीं है, तो वो भी वोट देने नहीं निकला, उसको कन्विंस नहीं कर पाए आप। तो बीजेपी का वर्कर जो उनके वोटर थे, उनको वोट पोलिंग बूथ तक नहीं ले गया, उसकी वजहें जो भी रही अंदर, तो वो वोटर को ना ले जा पाना ये बड़ी खामी थी। इसीलिए इस बार पूरा जोर लगाया। और इसके अलावा जो कैंडिडेट सिलेक्शन था, उसमें भी शिकायतें रही, आपने खबरें भी सुनी होंगी कि योगी जी से सलाह नहीं ली गई, मुख्यमंत्री से, या अपनी मर्जी से केंद्र से टिकट बांट दिए। लोकसभा के बाद तो सर उन्हें लगातार इग्नोर किया जा रहा था अगर देखा जाए तो, और कहीं ना कहीं बातें बीच में ये भी चलने लगी थी कि अब उन्हें वहां से हटाना है, मतलब सीएम के पद से उनको हटाने की बात तक चलने लगी थी। तो योगी की प्रतिष्ठा से भी जुड़ा हुआ था ये उपचुनाव? बिल्कुल जुड़ा हुआ था, क्योंकि जिस तरह की बातें आती है, अब अंदर क्या चलता है ये तो देखिए कोई नहीं जानता पार्टी में, बीजेपी में वैसे भी क्या होता है कुछ पता नहीं किसी को। लेकिन हाँ, ये सच है कि वहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई की बातें होती थी। उत्तर प्रदेश के योगी के साथ एक बड़े नेता हैं, उनके साथ कहा जाता है कि इसकी बातें होती रहती हैं तनातनी की, तो ये सच है। तो प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ तो था, क्योंकि उत्तर प्रदेश हारने, जो सीटें हारे हैं ये लोग 2014 में, उसका ही खामियाजा है कि इनकी सरकार नहीं बनी केंद्र में पूर्ण बहुमत की, बीजेपी की अपनी, और इनको समर्थन लेना पड़ा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से। तो ये प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ मामला था, इसलिए पूरी ताकत लगाई। सर, बटेंगे तो कटेंगे, कितना बड़ा फैक्टर है ये जानना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम महाराष्ट्र पर नजर डालें या फिर दूसरे उपचुनाव जहां भी केदारनाथ हो गए, महाराष्ट्र या इससे पहले हरियाणा ले ले, तो बटेंगे तो कटेंगे काफी ज्यादा वर्क करा है उस वर्ड ने, उस नारे ने,
और यूपी में क्या लगता है कि यूपी में भी बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा था उसने वर्क किया है? देखिए, इस देश की जनता जो है ना, वो नारों से बहुत एसोसिएट होती है। कई कई नारे ऐसे रहे जो आज तक भी बोले जाते हैं जी। तो नारा बहुत काम करता है, और अगर कोई ऐसा नेता वो नारा दे जिसकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है, जो हिंदुत्व के लिए पहचाना जाता है, जो फायर ब्रांड नेता है जिसकी पहचान हिंदुत्व है, वो अगर ऐसा नारा दे तो उसका पॉपुलर होना बनता है और होता भी है, और जनता को उस पर असर आता भी है। अब बीजेपी हारी लोकसभा में या वो उतने सीटें नहीं मिली, वो एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन योगी की पॉपुलैरिटी यूपी में है, इस बात से विपक्षी भी इनकार नहीं करते। सर, मुझे लगता है सिर्फ यूपी ही नहीं, देश में भी देखे तो देश भर में उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा है। नहीं, ऑब्वियसली देश भर में है, लेकिन अभी हम चूंकि यूपी की बात करते हैं इसलिए मैंने ऐसा कहा, नहीं तो देश भर में तो है ही है। महाराष्ट्र में जनसभा करते हैं, वो हरियाणा में करते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट में जाके करते हैं, वो दिल्ली में करते हैं। तो अगर वो स्टार कैंपेनर में शामिल है बीजेपी की, तो इसका मतलब कि उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी डिमांड है। हाँ। इसमें कहीं कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं वो जी। तो अगर वो यूपी में नारा देते हैं बटेंगे कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, तो इसका मतलब यह है कि पब्लिक उसको मान रही है। अच्छा सर, यहाँ पर हम बात लगातार कर रहे हैं कि यूपी में क्या जो तस्वीरें सामने आ रही है, अगर इनकेस 10 सीटों पर उपचुनाव होते तो मिल्कीपुर सीट पर क्या लगता है कि सपा आगे होती और ये जो 7-2 है वो 7-3 होता या फिर 8-2 होता, क्या लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि मिल्कीपुर में थोड़ा टफ रहता। हाँ, बीजेपी के लिए। हाँ, इतना आसान नहीं होता। हाँ, तो सपा को वहाँ फायदा हो सकता था, मेरा अपना मानना जी। बीएसपी को लेकर, बीएसपी को लेकर अगर हम बात करें तो यूपी में पूरा सफाया हो गया, एक सीट पर भी कहीं पर भी वो आगे नजर ही नहीं आई, लेकिन दूसरी तरफ तो लड़ती भी नहीं हो। दूसरी तरफ अगर देखे सर, तो दूसरी तरफ बिहार में उन्होंने कमाल कर दिया, एक सीट पर लड़ रहे थे, एक सीट आगे दिखाई दे रहे हैं उनमें, इमाम रामगढ़ की सीट पर। हाँ, रामगढ़ भी है। देखिए, बसपा का वैसे तो अस्तित्व उत्तर प्रदेश से खत्म ही है करीब करीब। अब ये क्या था कि उनका वोट बैंक जो है उनके पास ज्यादा था जी। जो दलित वोट बैंक था बीएसपी के पास बहुत था। अब वो जब उसको जो पार्टी जिसके लिए जानी जाती थी वही नहीं कर रहे, तो वोट बैंक शिफ्ट हो जाता है इधर उधर। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार में लड़ रहे हैं जहां पर, वहां शायद कोलैबोरेट हुई चीजें और उसकी वजह से जो उनको बेनिफिट मिला। लेकिन ये चौंकाने वाली बात है कि बिहार में बसपा अगर सीट पर आगे जा रही है। हाँ। तो जाहिर सी बात है कि लोग पसंद करने वाले हैं उसको वहां पर जो है। और जातीय फैक्टर भी बहुत मैटर करता है सर। जातीय फैक्टर तो इस देश, ये देश बिगड़ जाति के चल ही नहीं सकता है। आप जो भी कोई कुछ भी कह ले, लेकिन बिना देश के, बिना जाति के इस देश में किसी को कोई वजूद नहीं है। और राजनीति तो जाति पर ही होती है, और बिहार और उत्तर प्रदेश ये तो जाति पर ही चुनाव लड़े जाते हैं यहाँ पर। तो बाकी जगह की तो बात, कहीं विकास की बात हो सकती है या कोई क्षेत्रीय मुद्दा हो सकता है, लेकिन यूपी बिहार तो जाति बहुत बड़ा होता है, जाति पर ही चुनाव होता है। तो और जाति जनगणना की बात भी इसीलिए हो रही है, जो कांग्रेस बात कर रही है जाति जनगणना की, वो इसीलिए कर रही है क्योंकि उससे उनको पॉलिटिकल फायदा दिख रहा है जी। तो इसीलिए उसकी बात हो रही है। तो अपने राज्यों में क्यों नहीं करवा लेते हैं? कई राज्य है जहाँ पर वो राज्य सरकार है, तो वहाँ हिमाचल में करवा ले, कर्नाटक में करवा ले, और वहाँ पर प्रूव करके दिखा दे। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें प्रशांत किशोर की, तो उन्होंने बड़ा साफ कहा था कि जहाँ पर भी उनकी सरकार है वहाँ करवा ले, फिर उसको उसका सर्वे ला करके दिखाए, वहाँ उस तरीके से विकास हुआ वो दिखाए, हम सब उनका झंडा उठा करके घूमेंगे। देखिए, ऐसा है कि राजनीति कैसे होगी फिर, अगर अपने यहाँ मैं करवा लूँगा तो कोई इसमें विवाद ही नहीं है। तो मुझे जब राजनीति करनी है, मुझे जाति से वोट लेना है, मुझे फायदा उठाना है, तो मैं तो ऐसे विवादित बातें करूंगा ना जिससे जनता अट्रैक्ट हो और उस पर आए। तो अगर मैं अपने राज्य में चुपचाप करवा लूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा, तो उसका मुझे पॉलिटिकल फायदा थोड़ी है। पॉलिटिकल फायदा तब होगा जब मैं यूपी में आके कहूंगा कि जाति जनगणना करो, मैं बिहार में जाऊंगा, मैं कर्नाटक में जाऊंगा, मैं दिल्ली में जाऊंगा, तब उसका पॉलिटिकल फायदा होगा, इशू बनेगा। सर, आखिरी सवाल ये कि उपचुनाव को लिटमस टेस्ट कहा जा रहा था विधानसभा चुनाव का, जो 2027 में यूपी में होने वाले हैं, तो क्या लगता है कि अगर यहाँ पर जो रुझान है वो नतीजों में साबित होता है तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर है 2027 की? बिल्कुल है। देखिए, मुझे आज तक की सिचुएशन आप देखें तो अभी तो लगता है कि अगर यो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया 27 में तो बीजेपी सरकार बनाएगी। लेकिन समय अभी लंबा है, 24 में है, 27 में चुनाव होना है, तो कुछ भी हो सकता है। राजनीति में 3 महीने में नैरेटिव बदल जाते हैं, 2 महीने में नैरेटिव चेंज हो जाते हैं। लेकिन आज की परिस्थिति पर बात करें तो इस चुनाव के नतीजों को देखते हुए लगता है कि बीजेपी वापस आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए थे और लगातार बता रहे थे कि यूपी में उपचुनाव
के जो रुझान है, जहां पर बीजेपी लगातार आगे दिख रही है, 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए और ये नतीजों में साबित होता है, तो इसकी वजह क्या है? योगी आदित्यनाथ के साथ उन्होंने तमाम फैक्टर्स बताए और ये फैक्टर्स यूपी में बीजेपी को जिता रहे हैं। फिलहाल इस खास वीडियो में बस इतना ही। चुनाव से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए NMF News को सब्सक्राइब कर ले और जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।